भगवान ने क्या किया, कि मरमाल की रीत गोपाल गिरा, एक एक ही पार की ठोकर में। भगवान ने कंस को मार दिया कि जय बोलो कुमार कन्हैया की जय हो। ए बोलो कुमार कन्हैया की जय हो। आज इधर भगवान कन्हैया ने कंस का वध कर दिया, अस्थि और प्राप्ति आई, रोने लगी। भगवान बोले श्याम बाबू यहाँ आ जा। भगवान बोले जो आया है वो जाएगा जरूर, है 551 रुपया निकाल ले। कंस को वध होए और कोर्ट कचहरी में जाए तो बहुत रुपया खर्च। और ये श्याम बाबू भैया जी के तरफ से भाई किस मुद्राएं कंस बद में दान हो रही हैं। भगवान कन्हैया समझाने लगे जो आया है वो जाएगा जरूर। आज कंस की लाश को यमुना नदी के किनारे दफनाया गया। अब श्री सुखदेव मुनि समझाने लगे, अस्थि और प्राप्ति अपने जरासंध के पास में पहुंची, बोली कन्हैया ने मेरे पिया को मार दिया तो 17 बार चढ़ाई की नाकाम हो गया, 18वीं बार में भगवान इधर जरासंध ने चढ़ाई की, उधर से कालीबान ने, उसके वैसे भगवान कन्हैया ने समुद्र के बीच में एक द्वारिका नगरी बसाई, वहीं पर रहने लगे। और इधर अपने नाना का राज तिलक किया है। इधर दक्षिण दिशा में एक गांव है कुंदन नगर, जहां के राजा महाराज भीष्मक हैं। आइए ये रुक्मणी की शादी रात में सुनाएंगे। अब दो शब्दों में भगवान का नाम, फिर आरती और प्रसाद। ठीक है।